खरोरा थाने से महज 15 किलोमीटर दूर पर स्थित रायखेड़ा में नई नवेली बहू ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। लड़की के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पेश है हमारे खरोरा संवाददाता तुरंत ठाकुर की रिपोर्ट। आपका नाम सर? बिजू राम वर्मा। सर कौन से थाने में? थाना खरोरा। सर ये एक रायखेड़ा में एक नवविवाहित लड़की के आत्महत्या करने एवं उनके परिजनों द्वारा उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है ससुराल वालों के ऊपर, इस पर आपका क्या कहना है? अभी मर्ग जांच हो रहा है, जांच पर है मर्ग। पीएम रिपोर्ट अप्राप्त है, पीएम रिपोर्ट आने की बात आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपके साथ क्या हुआ बताइए। मृतका मोनिका वर्मा के पिता गोपेश्वर वर्मा ने लड़की के ससुराल वालों पर बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जमाने का नाम गजेंद्र था, रायखेड़ा में रहता था, उसने मुझे मृतका की बहन रामेश्वरी वर्मा ने आरोप लगाया है कि उसका पति उसके साथ नहीं रहता था। शादी के बाद से बहन परेशान थी और पति उससे मारपीट व गाली गलौज भी करता था। उसके साथ उसका मेरा बेटी का नाम मोनिका था, जवान का नाम गजेंद्र था। तो क्या आपकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता था? हाँ, दुर्व्यवहार 3 महीने से कुछ व्यवहारिक काम करता था उन लोगों से। उससे मृतका की बहन रामेश्वरी ने यह भी बताया कि उसकी बहन ने पति के किसी और से अवैध संबंध होने का भी जिक्र किया था। थाने में क्या नाम है? रामेश्वरी वर्मा। आप कहाँ रहती हैं? आपकी बहन की शादी कौन से गांव में हुई थी? रायखेड़ा में। उसका क्या नाम था आपकी बहन का? मोनिका वर्मा। मोनिका वर्मा, क्या हुआ उनके साथ में? उनके पति उनके साथ में रहते थे सर, जब से शादी हुए तब से परेशान थी वो, मानसिक रूप से अच्छे से बात नहीं होता था उनसे कभी। और उसके साथ क्या क्या होता था? बात नहीं होता था, घबराते थे बात करने में। कभी आपको उसने किसी बात की शिकायत की? हाँ सर, बोलते थे कि मेरे से हंसते बोलते नहीं है, मेरे से बात नहीं करते, लगता है इसका कहीं अफेयर है करके। और मारपीट वगैरह करते थे क्या उनसे? हाँ, गाली गलौज करते थे। मारपीट के बारे में